एंड हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है एंड फ्रेंड्स लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि फेक ब्रेकआउट हुआ था 50% लेवल पे, जो कि रैली बेस रैली पे हमने ट्रेड किया था। अब ये पार्ट टू है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि और आप ट्रेड कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो और आप ट्रेड निकालने के लिए सिंपल फिर से फेक ब्रेकआउट हम यहाँ पर काम करते हैं। तो ये एरिया जो हाई है, ओके, ये रहा आपका ड्रॉप एरिया कंप्लीटली करेक्ट। यानी मींस क्या है ये, सब सेलर्स जोन। ओके, सेलर जोन अगेन आपकी एंट्री यहां पर है, बट यहां पर क्या है कि ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम फ्रेश जोन है ये। ओके, तो सेकंड टाइम अब प्राइस अगर इसे बाउंस होती है, कंफर्म होती है, तो गो डाउन इस लेवल तक अगेन डिमांड जोन पे। ओके, क्योंकि क्लियर प्राइस है यहां पर बुलिश, तो यहां पर इंटर होगा क्लियर बेरिश। बट यहाँ पर क्या कि कंफर्म नहीं है प्राइस, क्योंकि वन टाइम टच है, तो यहाँ पर प्राइस को ऐसे ऊपर जाए फिर जाके ड्रॉप हो, क्योंकि ये क्या है सपोर्ट सपोर्ट एरिया है ना, ये क्या है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एरिया। तो प्राइस क्या है कम्प्लीटली रेंजिंग चल रही है, तो अगेन वापस जाएगी यहाँ पर, कंफर्म होगी प्राइस गोइंग डाउन। बट अभी भी हमको वेट ही करना है, क्योंकि ये कन्फर्म नहीं है प्राइस, जो नीचे आ रही है ये कन्फर्म प्राइस नहीं है। एंड ये है अपना ड्रॉप, ये हो गया अपना डिमांड जोन। तो इस डिमांड जोन पे एंड सिंपल डिमांड जोन है, और भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कुछ। ये हुआ लो, ये हुआ डिमांड जोन। तो अपने को अभी वेट करना है यार। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं वो हम फेक ब्रेकआउट के यूज करने वाले हैं, बट यहाँ पर आप एक चीज को और यूज कर सकते हैं, फिबोनाची लेवल का। यहाँ पर आपको क्लियर अगर आपको टेस्ट होता है 50% लेवल, 61% लेवल पे पिन बार का, आप डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, फिर से बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट क्या है ये हायर लो कंडीशन में। ये रहा हायर लो, यानी लो ये है एंड ये लो है एंड ये, तो ये हायर लो, अगेन यहाँ पर हायर लो, अगेन हायर लो, ये क्या है रजिस्टर रजिस्टर। तो प्राइस क्या हो रही है कुछ ऐसे हो रही है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनना है, लॉन्ग डिसेंडिंग ट्रायंगल हो रहा है। तो ये एपेक्स एरिया है, एपेक्स एरिया में 50% लेवल पर अगर रिटेस्ट करता है तो गोइंग अप ट्रेंड। एपेक्स एरिया, एपेक्स मीन्स जैसे ये जो एरिया होता है ये थोड़ा सा, इसी को बोलते हैं एपेक्स एरिया, ये PEX एपेक्स है ना, तो इसी को एपेक्स एरिया। तो ये एरिया आप देखेंगे, ये एरिया कुछ एपेक्स एरिया मारा है ना डिसेंडिंग ट्रायंगल में, तो यहीं से प्राइस का है गोइंग अप, तो अपना ये छोटा सा प्रॉफिट फिर से मिल सकता है। बट कंफर्म नहीं, कंफर्म कब होगा जब रिस्पेक्ट करेगा फिबोनाची लेवल पे, तब, इससे पहले नहीं। मीन्स जहां पर 50% लेवल है, 61.8% लेवल पे यहाँ पर प्राइस रिटेस्ट होना चाहिए, एंड सेकंड जो रिट्रेसमेंट हम देख सकते हैं अगर यहाँ पर कंफर्म नहीं होती है प्राइस, तो इसी को फिबोनाची लेवल पे यहाँ पर प्रीवियस लो पे लाएंगे, एंड हम डिमांड जोन को इस दो नंबर के बीच में हम यहाँ पर लाने की कोशिश करें। ये दोनों नंबर हमको यहाँ पर लाना है कि कैसे यहाँ पर आ जाए। ओके, इस एरिया में जब आ जाएगा तो ये हमारे लिए गोल्डन जोन बन जाएगा, क्योंकि ये गोल्डन नंबर होता है 50%, 61.8% लेवल फिबोनाची लेवल, तो ये हमारा गोल्डन डिमांड जोन बन जाएगा, तो यानी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। इसी चीज को अपने को एडजस्ट करना है। बट अगर अगर हम ये हाई मानते हैं, यानी फिबोनाची लेवल अगर हम प्रीवियस हाई मानते हैं ये लेवल, एंड फिबोनाची का लो होगा ये लेवल तक एंड ये लेवल होगा, तो अब जाके प्राइस यहाँ पर अब मिला है गोल्डन जोन। ओके, यानी गोल्डन जोन आ गया 61.8%, आप देखेंगे 61.8% के आइए गोल्डन जोन में, तो प्राइस आएगी अगर रिटेस्ट करता है तो ये गोइंग अप ट्रेंड इस एरिया तक, मिनिमम सप्लाई जोन तक।
बट यहाँ पर अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ऐसा ऐसा हम सोच सकते हैं और ऐसा ऐसा हम कुछ इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, बट यहाँ पर कंफर्म नहीं है। तो हम वीडियो को पॉज करते हैं फ्रेंड्स, और जैसे कोई हमको कंफर्मेशन मिलता है प्राइस का, 11:52 हो रहा है, तो जैसे कोई कंफर्मेशन मिलता है तो मैं आपको वीडियो को शो करता हूँ। ओके, फिर मैं वीडियो को आपको शो करता हूँ कॉन्सेप्ट को, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है रीजन। ओके दोस्तों, जस्ट वेट। एंड दोस्तों, यहाँ पर प्राइस सिंपल आया डाउन, बट जोन तक नहीं आया, अगेन प्राइस बाउंस हो गया। ओके, तो लगभग जो टाइम हो रहा है अभी 12:03, प्राइस आया अगेन वापस चला गया। बट जो हमने कहा था कि प्राइस क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट करे है ना इस लेवल पर प्राइस इससे पहले ही वापस चला गया। तो अभी भी हमको सिर्फ वेट ही करना है, या तो हम वेट करें, और कुछ हम कर नहीं सकते क्योंकि अभी क्योंकि यहाँ पर कोई भी लेवल पे ये रिस्पेक्ट नहीं किया है तो अपना कोई भी एंट्री एग्जिट नहीं होता है। या तो लेवल पे रिस्पेक्ट करें या तो जोन से वापस जाएगी प्राइस, है ना। दो ही कंडीशन है यहाँ पर, तो जो कि हम करके बैठे हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। एंड सिंपल सप्लाई जोन ये भी है, तो प्राइस यहाँ से रिस्पेक्ट हुआ, अगर वापस बाउंस होता है इस लेवल पे, मींस इस सप्लाई जोन से, ये जो सप्लाई वाला जो अभी मैं ड्रॉ किया, अगर इस सप्लाई जोन में अगर प्राइस वापस जाता है तो वापस हम सेल कर सकते हैं इस लेवल तक। बट ऐसा नहीं हो रहा, बस प्राइस यहाँ पर अगर सप्लाई जोन में जाता है तो स्ट्रॉन्ग रैली होना चाहिए, यानी फेक ब्रेकआउट होना चाहिए, ये दोनों पे फेक ब्रेकआउट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बायर जाएगा तभी जाके हम वापस प्राइस आएगी। अगर ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनती जाएगी बुलिश वाली तो फेक ब्रेकआउट होगा, इस जोन में जाएगा तो नहीं। बायर का क्या होना चाहिए, बायर स्ट्रोंग होना चाहिए, ताकि यहाँ ये बायर स्ट्रोंग होना चाहिए तभी जाके फेक ब्रेकआउट होगा। अगर फेक ब्रेकआउट अगर नॉर्मल जैसे स्मॉल स्मॉल का, जैसे यहाँ पर ऐसी कुछ कैंडल अगर बनती जाती है तो वो फेक ब्रेकआउट क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। फिर कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी वर्क नहीं करता। बट अगर स्ट्रोंग बायर्स कैंडल से अगर फेक ब्रेकआउट करती है तो डेफिनेटली सेलर्स एंटर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बायर होता है वो ऑटोमेटिक रैली बोला जाता है, एटी जिसे बोलते हैं वाइकॉफ थ्योरी के हिसाब से, एटी बोला जाता है, स्प्रिंग में आता है, अप थ्रस्ट बोला जाता है उसे। ओके, तो जस्ट अपन वेट करते हैं, लगता है वापस जाएगी प्राइस ऊपर। एंड और यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है दोस्तों, सिंपल ऊपर जाए प्राइस तभी जाके डाउन आएगी, अदरवाइज नहीं। तो जस्ट वेट करते हैं फ्रेंड, एंड मैं वीडियो को फिर से अगेन पॉज करता हूँ, एंड जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं वीडियो को शो करता हूँ। जस्ट वेट फ्रेंड्स। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत फेक ब्रेकआउट, इसे बोलते हैं पावरफुल फेक ब्रेकआउट। ओके दोस्तों, तो अब हमारी एंट्री आ गई है, 12:08 हो गया है। ऐसा ही मैं आपको बोल रहा था कि पावरफुल यानी कंटिन्यूस बायर बायर बायर, स्ट्रॉन्ग बायर फेक ब्रेकआउट यानी डेफिनेटली गोइंग डाउन प्राइस, गोइंग डाउन जैसे कैंडल क्लोज होती है अपनी एंट्री स्टार्ट, यानी सेल शॉर्ट करने के लिए अपन रेडी है। तो ये कैंडल क्लोज होगी एंड सप्लाई जोन के अब हमारे स्टॉप लॉस, बाकी टारगेट अपना दिस लो। ओके, तो ये अपनी एंट्री हुआ, ये अपना स्टॉप लॉस हुआ लगभग 30 पॉइंट का, एंड टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 50 पॉइंट का। ओके, तो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डील कर, किसी का काम नहीं अपन को। एंड फिबोनाची लेवल प्राइस यहाँ पर आया नहीं तो फिबोनाची लेवल का कोई काम नहीं, तो इसको डिलीट मारते हैं। एंड TP1 TP2 भी आप निकाल सकते हैं, बट TP1 एनफ है, TP2 मीन्स ये है फ्रेश जोन, तो यहाँ पर ये प्राइस आ सकती है, ये फ्रेश डिमांड जोन। ओके, ये भी हमारा डिमांड जोन है बट ये फ्रेश है,
तो ये टीपी वन हुआ, ये टीपी टू हुआ, ओके। तो सिंपल टीपी टू टीपी वन एनफ है, क्योंकि प्राइस हायर है, हायर लो है, तो कंडीशन एंड ये कुछ ऐसे चल रही है, ओके। प्राइस यहीं से रिजेक्ट हुआ यानी फेक ब्रेकआउट हुआ, ये कोई डिसेंडिंग बन रहा है, बट इस लेवल से प्राइस क्या होती है, रिवर्स भी हो सकती है। तो टीपी वन एनफ आना 50 पॉइंट, ओके। बट नो प्रॉब्लम, यहाँ पर क्या है कि प्राइस ऊपर नीचे भी होती है, तो यहाँ पर अपने को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये रहा हाई एंड स्टॉप लॉस हाई के अबव रहेगा, एंड ये रहा स्टॉप लॉस आपका, सॉरी टारगेट, ओके। तो जस्ट वॉच माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, अब मैं आपको वो चीज़ें समझाता हूँ कि फेक आउट फेक ब्रेकआउट क्या है। फेक आउट मिस क्या होता है कि एक लेबल आपको होना चाहिए, ये क्या है आप देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एंड बेरिश टू बेरिश कैंडल एंड अगेन पिन बार, ये क्या हुआ सप्लाई जोन, एंड यहाँ से क्या है कंटिन्यू प्राइस ड्रॉप हुआ, ओके। अब प्रीवियस जितना भी यहाँ पर हायर लो था सबको ब्रेक करके हुआ आया प्राइस, एंड अगेन वाच समझने की कोशिश कीजिए, ये रहा हायर लो, ये रहा हायर लो, ये रहा हायर हाई, ये रहा हायर हाई एंड हायर हाई, ओके। प्राइस क्या है यहाँ से कहीं से स्टार्ट है, इसी लेवल से, यानी इस एरिया से प्राइस क्या स्टार्ट है, तो ये कितने हायर हाई एंड हायर लो पर ब्रेक किया, कंटिन्यू सीधे ड्रॉप, ओके। अगेन प्राइस यहाँ पर एक कुछ डब्लू पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट हुआ, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, वो क्या अपने सप्लाई जोन में। तो अगेन यहाँ पर कहने का मतलब है, जब सप्लाई जोन बना रहा है ये जब सप्लाई जोन बना रहा है, तो प्राइस सप्लाई जोन से क्या होना चाहिए, डायरेक्टली डाउन आनी चाहिए, है ना, बट नहीं, मिडिल ट्रेंड से ही ये क्या, मिडिल ट्रेंड से ही वापस चली गई प्राइस। तो कहने का मतलब है, जब मिडिल ट्रेंड से वापस जा रही है प्राइस, क्योंकि बायर जोन ये लेवल और प्राइस 20 से ही वापस जा रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग हो रहा है, यानी अगेन क्या, अगेन सेलर ड्रॉप हो सकता है, है ना। तो अगेन सेलर को ड्रॉप होने के लिए अपने को चाहिए अनदर कॉन्सेप्ट मीन्स कि फेक ब्रेकआउट या फिर डब्लू पैटर्न सॉरी या एम पैटर्न्स या हेड और शोल्डर पैटर्न, यानी दोबारा जब एंट्री आप ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न चाहिए, है ना, जहाँ से प्राइस रिस्पेक्ट हो, है ना, वो स्ट्रॉन्ग पैटर्न होना चाहिए। जैसे फेक ब्रेकआउट हुआ तो यानी मीन्स क्या, ये स्ट्रॉन्ग फेक ब्रेकआउट मीन स्ट्रॉन्ग पैटर्न, ओके। अगर मैं यही कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक एम पैटर्न बना और एम पैटर्न में यहाँ पर फेक ब्रेकआउट, यानी क्या स्ट्रॉन्ग एरिया, है ना, तो दैट्स मीन्स कि ये भी क्या, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है ना। तो कोई ना कोई हमको चार्ट पैटर्न चाहिए ही चाहिए प्राइस को रिस्पेक्ट कराने के, मतलब प्राइस वापस बाउंस होने के लिए, डाउन ट्रेंड के लिए, ओके। तो ये रहा अपना फेक ब्रेकआउट, यानी प्राइस 100% इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी, अगर बायर जोन ये रहा एंड टीपी टू ये, बट टीपी वन एनफ है, करेक्ट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, एंड स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने आपको बताया एक्सप्लेन करके, एंड 13 मिनट का वीडियो हो गया, तो कंटिन्यू मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे चीज़ों को आप समझ सकते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, ओके। एंड सारी चीज़ें मैंने इसमें बता रखी है, अगर आपको लगता है कि आपको सीखने की ज़रूरत है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम, अदरवाइज इन सारी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, आप इनको वॉच करके एंड चीज़ों को समझ सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। दिस वीडियो नॉट इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ये वीडियो सब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ऑल वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं अपलोड करता हूँ, ओके। एंड फ्रेंड्स, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, तो ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा तब जाके सेट हो, कभी भी डायरेक्टली प्राइस इंटर नहीं होती है ना, ध्यान दिए, कभी कभी प्राइस डायरेक्टली आपकी हिट कर देता है, कभी कभी प्राइस क्या होती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे देन गोइंग डाउन, है ना। तो
इसी एरिया में कहीं ना कहीं रिटेलर क्या होता है, एंट्री होती, एग्जिट होती, स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है ना। तो वही एरिया क्या होता है, यही एरिया में लॉसेस होते हैं रिटेलर के। एंड अगर बायर जोन एंड सेलर जोन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये 20 कैरियर जो होता है वो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एंट्री लेने का कोई चांस ही नहीं है ना। बीच में एंट्री आप कहाँ ले सकते हैं? अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क रिवार्ड जो होगा वो गुड रिस्क रिवार्ड नहीं मिल पाएगा। ओके तो जस्ट वेट फ्रेंड्स, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। अगेन वीडियो लंबी हो जा रही है, सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 12:15 हो रहा है, जैसे इसको टारगेट को हिट करता है ये 50 पॉइंट का, मैं वीडियो को शो करता हूँ। जस्ट वेट फ्रेंड्स। ओके तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 12:15 पॉज किया था एंड 12:29 हो रहा है एंड ये जो हमारा टारगेट था वो हिट हो गया। ओके जैसे कि हमने बताया था, फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा क्या है, ये हमारा जोन एरिया यानी डिमांड जोन एरिया। तो दोनों को, दोनों टारगेट ने प्राइस ने क्या किया, हिट किया यहाँ पर। ओके तो सिंपल चीज़ों को फ्रेंड्स एनालाइज कीजिए बहुत ही रिलैक्स माइंड से एंड तो चीज़ें समझ में आएंगी फ्रेंड्स। ओके छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही केयर से, बहुत ही, क्योंकि एवरीडे चीज़ें बनती हैं, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएंगी। जब चीज़ें रोज ही बनती हैं मार्केट में तो अपने को बहुत छोटे छोटे पार्ट को समझना पड़ा, ऐसा नहीं पूरी पूरे चार्ट को, नहीं, छोटे छोटे पार्ट को, छोटे छोटे पैटर्न को साथ आप समझने की कोशिश की तो जरूर आपको चीज़ें समझ में आएंगी फ्रेंड। ओके तो ओवरऑल जो ये ट्रेड था सिंपल फेक ब्रेकआउट का था, ये सप्लाई जोन है, ये प्रीवियस हमारा फेक ब्रेकआउट, मैं आपको फिर से समराइज कर देता हूँ। ये अपना फेक ब्रेकआउट यहाँ पर और डायरेक्टली एंट्री यहाँ पर, फेक ब्रेकआउट, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर था 50 पॉइंट का, 30 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था। सेकंड टारगेट जो था फ्रेश जोन डिमांड जोन, सेकंड टारगेट अपना TP2 था, जैसे कि मैंने शुरुआत में वीडियो में बता रखा था आपको। ओके तो ऑल अबाउट सिंपल प्राइस एक्शन एंड सप्लाई एंड डिमांड, टू कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, जरूर आपको बेनिफिट होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।